स्वागत है आप सबका मिस्टीरियस रोज में। दोस्तों, आज का हमारा 29th एपिसोड खास स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये कहानी बेहद ही इंस्पायरेशनल है। आज की कहानी है अपोलो 11 की। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। नील आर्मस्ट्रांग ने ही चांद पर पहला कदम रखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 मिशन के अनुसार चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग को रखना ही नहीं था। आज का हमारा स्पेशल मोटिवेशन एपिसोड है, जो कि खास आपके लिए बनाया गया है, जिसके मदद से हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सन 1969 में नासा द्वारा अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया था। अपोलो 11 मिशन के मेन पायलट थे बज एल्ड्रिन, जो कि US नेवी में थे, और नील आर्मस्ट्रांग थे उस मिशन के को पायलट, और वो भी नेवी में थे। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के सैटर्न वी रॉकेट को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। अपोलो 11 मिशन एक ऐसी उम्मीद थी जिसके वजह से चांद पर पहला इंसान का कदम पड़ने वाला था। प्लान के अनुसार नील आर्मस्ट्रांग, मिशेल कॉलिंस, बज एल्ड्रिन, चार्ल्स ड्यूक, इन चार एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मिशन भेजा गया था। इन चार एस्ट्रोनॉट्स में से दो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को ही चांद की सतह पर जाना था, और बाकी के दो एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल और बाकी के इंपॉर्टेंट काम को देखना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 24 जुलाई 1969 को आखिरकार नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का यान चांद पर उतर ही गया। उन दो एस्ट्रोनॉट्स को नासा द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया कि अब आप चांद पर उतर सकते हैं। नासा से उन्हें पहला कमांड आया कि पायलट फर्स्ट उतरेंगे। तब मेन पायलट, जो कि बज एल्ड्रिन थे, वो थोड़ा झिझकने लगे। उनके मन में ऐसे कई सवाल आने लगे कि क्या मैं डीप फेस में खो जाऊंगा, या फिर मून की ग्रेविटी क्या मुझे बाहर फेंक देगी। ऐसे कई सवाल बज एल्ड्रिन के मन में उस समय पर डर का माहौल बना रहे थे। अगले पल नासा से दूसरा कमांड आया कि को पायलट नेक्स्ट। उसी समय नासा के को पायलट, जो कि नील आर्मस्ट्रांग थे, उन्होंने चांद पर पहला कदम रख दिया। और दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग बने चांद की सतह पर पैर रखने वाले पहले आदमी, और बाद में चांद पर पहला कदम रखने वाले बज एल्ड्रिन ने ही चांद पर दूसरा कदम रख दिया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि बज एल्ड्रिन, उनके पास वो पूरी क्षमता थी जिसकी वजह से वो चांद पर पहला कदम रख सकते थे, लेकिन थोड़ी सी झिझक और हिम्मत ने उन्हें इससे मुकर दिया, और तब तक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रख के इतिहास बना दिया। आज देखिए दोस्तों, चांद का नाम जब जब आता है, तब तक नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। मॉरल ऑफ द वीडियो, दोस्तों, आप हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लगन, जिज्ञासा और हिम्मत होनी चाहिए। हमारे स्पेशल एपिसोड के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक आप स्क्रीन पे दिखने वाले कौन से भी एक वीडियो को टच कीजिए और एंजॉय करें। स्टे मिस्टीरियस, स्टे सेफ।